आज की डेट में इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो वेबसाइट है वो है यूट्यूब। और आपकी इस फेवरेट वेबसाइट के बारे में कई सारी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे। जैसे कि क्या आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब पे एक मिनट में 400 घंटे की वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। मेरा मतलब ये कि सारे वीडियोस जो एक मिनट में अपलोड होते हैं उन सबकी लेंथ को मिला दिया जाए तो वो 400 घंटे की भी ऊपर हो जाती है। लेकिन इतने सारे वीडियोस को आखिर देखता कौन है? तो यूट्यूब के अंदर जो एक्टिव यूजर्स है वो है 1.8 बिलियन जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/4 होती है। और अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में सिर्फ 225 मिलियन यूजर्स हैं जो यूट्यूब को एक्टिवली देखते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था वो 23 अप्रैल 2005 को हुआ था और इसे अपलोड किया था जावेद करीम ने जो कि खुद को फाउंडर थे यूट्यूब के और उन्होंने ही अपना पहला वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो का नाम था मी एट द ज़ू। और इस वीडियो को आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पहले एक अलग कंपनी थी और बाद में इसे गूगल ने खरीद लिया था और गूगल ने इसके लिए 1.65 बिलियन डॉलर्स दिए थे। और जब गूगल ने इसको खरीदा था तब यूट्यूब के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था और यूट्यूब पूरी तरीके से लॉस में भी जा रहा था। लेकिन तब भी गूगल को पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन तो ये चीज चलेगी। शायद से आप में से कई लोगों ने गंगनम स्टाइल का नाम तो सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना वो काफी पॉपुलर म्यूजिक वीडियो है जो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। और ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसने जो यूट्यूब का जो व्यू काउंटर होता है ना उसको ब्रेक कर दिया था। मेरा मतलब है कि नॉर्मली जो व्यू काउंटर होता था पहले वो 32 बिट का इंटीजर होता था। सीधी भाषा में जो यूट्यूब काउंटर की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती थी ना वो थी 2.1 बिलियन व्यूज के अराउंड। लेकिन ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि इसके जो व्यूज है ना वो 2.14 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। इसके बाद इसके व्यूज में काफी ज्यादा गड़बड़ होने लगी थी और इसके बाद पूरे यूट्यूब के सिस्टम को अपडेट किया गया ताकि वो इस वीडियो के व्यूज को सही तरीके से दिखा सके। और अब वो एक 64 बिट इंटीजर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि 9 क्विंटिलियन से ज्यादा नंबर्स को डिस्प्ले पे दिखा सकता है, यानी कि किसी वीडियोस के अगर 9 क्विंटिलियन व्यूज भी हो जाते हैं फ्यूचर में कभी तो ये उसे भी एग्जैक्ट तरीके से दिखा देगा। लेकिन इतने सारे व्यूज होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हाल फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि आज की डेट में कोई वीडियो इस नंबर को कभी टच कर पाएगा। क्या आपको पता है कि यूट्यूब जो वो अलग अलग 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? इसका मतलब ये कि पूरी इंटरनेट की जो पॉपुलेशन है उसके 95% को ये कवर करता है। क्या आप लोगों को पता है कि जो सुजन वचौस्की जो यूट्यूब की सीईओ है ये वही वो मैंने जिन्होंने लैरी पे जो सर्गेई ब्रिन को 1998 में गराज किराए पे दिया था। और अगर आप लोगों को नहीं पता लैरी और सर्जी कौन है तो ये गूगल के कोफाउंडर्स थे और गूगल की शुरुआत जिस गराज से हुई थी वो इन्हीं मैम का था और बाद में जब गूगल बड़ा हो गया तो इन्हीं मैम को यूट्यूब का सीईओ बना दिया गया। क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूब दुनिया के जितने भी लेटेस्ट वीडियो फॉर्मेट्स है ना सबको सपोर्ट करता है, चाहे ये HDO, Full HDO, Ultra HDO, 4K, 8K वीडियोस ही क्यों ना, यहां तक कि 3D वीडियोस, 360 डिग्री वीडियोस, 60 FPS की वीडियोस, HDR वीडियोस और HDR में भी HDR 10, Dolby Vision, जितने भी फ्यूचर के फाइल फॉर्मेट्स हैं सबको YouTube पहले से ही सपोर्ट करता है। और आज की डेट में आप कैसे भी वीडियो फॉर्मेट में वीडियो YouTube पे अपलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, भले ही उसको देखने का तरीका अवेलेबल नहीं हो लेकिन आपके पास एक तरीका है जिससे आप अपलोड कर सकते हैं। मेरा मतलब ये कि आज की डेट में अगर आप अपलोड करना चाहेंगे 8K वीडियो 60 FPS में वो भी HDR में तो YouTube पे ये चीज पॉसिबल है आज की डेट में करना। और YouTube रोज अपने आप को इवॉल्व कर रही है ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस की टेक्नोलॉजीज हैं उन सबके साथ ये पहले से ही कंपेटिबल रहे। क्या आप लोगों को वो पता है कि जो YouTube है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है और ये जो सर्च इंजन है गूगल के जस्ट बाद आता है और गूगल के बाद जो सबसे ज्यादा सर्चेज है वो यूट्यूब पे की जाती है। और अगर हम इस पे बात करें कि इस पे कितनी सर्चेज की जाती है तो आप इसी बात से हिसाब लगा लो कि इससे छोटे जितने भी सर्च इंजन है जैसे याहू का हो गया, बिंग का हो गया, उन सबको मिला के भी इतनी सर्चेज नहीं की जाती जितने अकेले यूट्यूब पे की जाती है और यूट्यूब से सिर्फ आगे गूगल का ही सर्च इंजन है। क्या आप लोगों को पता है कि जो यूट्यूब का जो पहला हेडक्वार्टर था जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी तो वो था पिजेरिया और एक जैपनीज रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर जो कि कैलिफोर्निया के अंदर था। और आज की डेट में हम देखें तो उस छोटे से ऑफिस से आज की डेट में यूट्यूब कहां से कहां पहुंच गई है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूट्यूब के बारे में। इसके अलावा बाकी कई सारी बातें हैं यूट्यूब के बारे में जैसे कि मोस्ट लाइक्ड वीडियो या फिर मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो, तो उन सब के बारे में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग किस चीज के ऊपर फैक्ट्स देखना चाहते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।